नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंगल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, कानूनी जंग बिहार प्रदेश मुजफ्फरपुर से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है कटरा, कटरा प्रखंड के यजुआर पंचायत में। यहां मिले एक समाज सेवी से, उनसे मिलवाते हैं और उनसे परिचय करवाते हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रिय रंजन ठाकुर हुआ। प्रिय रंजन जी, आप अपने समाज के लिए अभी तक क्या क्या किए हैं और क्या आपका करने का सोच है? देखिए, समाज के लिए हम लगातार आज से अगर 2 साल पहले जाते हैं, 1 साल पहले, तो इस सब इलाके में 17 गांव में बिजली नहीं था, उसका आवाज़ उठाए। अभी हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, मतलब बहुत सारी समस्या है जी, जी, उसका हम लोग आवाज़ उठाए। बिजली तो आ गया जी, जी, हम लोगों के संघर्ष के फलस्वरूप जी, जी, जी। हम लोग यहाँ बहुत सारे चचरी पुल है प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए, तो उस सब का भी आवाज़ उठाए। 1-2 पुल बन भी रहा है हम लोगों के संघर्ष के कारण, और आगे भी जहाँ जहाँ सरकार चुकती है तो उसमें हम लोग सहभागी होते हैं। जो कहाँ मतलब सरकार चूक कर रही है उसकी आवाज़ उठाएं, मजदूर का आवाज़ उठाएं, गरीब का आवाज़ उठाएं और गरीब को कुछ न कुछ मदद दिलवाएं, मुहैया करवाते ही हैं, चाहे किसी भी मत से हो, चाहे जैसे हो। उसी क्रम में अशोक कुमार झा जो हमारे गार्जियन भी हैं जी जी जी, उन्होंने कहा कि इस एरिया में जो गरीब हैं, जहाँ अनाज डीलर के द्वारा भी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके पास राशन कार्ड भी नहीं है जी, वैसे गरीबों को मतलब राशन दिया जाए जी जी जी, तो उसके उनके इस काम में हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग अभी मतलब गरीबों के बीच में राहत सामग्री आप वितरण करवा रहे हैं लगातार। चलिए, ये हमारे समाज सेवी थे। नमस्कार, मैं कैमरामैन मदन मोहन के साथ आलोक रंजन।